तो दोस्तों, हम कहीं भी जाते हैं, चाहे विदेश में हो चाहे इंडिया में हो, एक शब्द हम जरूर बोलते हैं कि गर्व से बोलो हम इंडियन हैं, या हम गर्व से बोलो हम भारतीय हैं। पर लेकिन क्या आज हमारा भारत हमारी बहन बेटियों के लिए सेफ है? ये हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी राय और सरकार से पूछना चाहेंगे कि हम जो एक गर्व से छाती पीट कर कहते हैं कि हम इंडियन हैं, हम भारतवासी हैं, तो क्या हमारे इस भारतवास में, इस इंडिया में हमारी बहन बेटियां सेफ है? नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक रावत फिर से आ गया हूँ एक गंभीर मुद्दा को लेकर आपके पास। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जो किरण नेगी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। किरण नेगी हमारे पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी। 2012 में कुछ दरिंदों ने उसका बहुत बेरहमी से, मैं तो आप बताने में भी शर्म आ रही है, उसका रेप किया गया था। 9 फरवरी 2012 को रेप करके उसे मार के हरियाणा में फेंक दिया गया था। तो उन मुजरिमों को उस समय अरेस्ट कर लिया गया था और कोर्ट ने ये भी कहा था कि उनको फांसी मिलेगी। लेकिन कल 7 नवंबर को वो बाइज्जत बरी कर दिए गए और एक माँ फिर से केस हार गई। यार बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर कि 2012 यानी 10 साल पहले से केस चल रहा था, केस लड़ते लड़ते वो कल माँ कोर्ट के बाहर रोने लगी, लोगों के बीच में रोने लगी और कहने लगी कि मैं केस हार गई हूँ। बताइए क्या हमारी ये बहन बेटियाँ आज के इस हिंदुस्तान में, हमारे इस भारत में सेफ हैं? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अंकिता भंडारी केस में भी यही हुआ है, वो मुजरिम अभी भी, उनको फांसी की सजा नहीं मिली है, वो आराम से जेल में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी रिहा होने का। तो क्या ये सरकार सही है? मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, और क्या उत्तराखंड की सरकार क्यों इन चीज़ों में एक्शन नहीं लेती है? जब वोटिंग का मामला होता है तो तब घरों घरों तक वोटिंग मांगने आते हैं, तो क्या हमारी बहन बेटियों के लिए ये सब नहीं कर सकते? क्या आज हमारे हिंदुस्तान में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों ऐसी छूट मिल रही है इन मुजरिमों को? क्यों ऐसे हत्याकांड बढ़ते जा रहे हैं? वो माँ 10 साल से केस लड़ रही थी, बताओ 10 साल से, और कल 7 नवंबर 2022 को कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया और वो माँ कोर्ट के बाहर रोने लगी। बहुत दुख हुआ मुझे वीडियो देखकर, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि ताकि आप लोग भी जागरूक हो जाए और हमारी सरकार, उत्तराखंड की सरकार और पूरे भारत की सरकार भी जागरूक हो जाए कि ऐसे मुजरिमों को आप क्यों छोड़ते हैं जब वो ऐसा घिनौना काम करते हैं। क्यों हमारे भारत में आज बहन बेटियों के लिए रहना मुश्किल हो गया है? क्या है वजह? ये मैं सरकार से जानना चाहूंगा। वो केस, वो माँ आज केस लड़ रही थी, 10 साल से केस लड़ रही थी, और 7 नवंबर 2022 को कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। तो क्या ये सही है? आप लोग बताएं अब मुझे, क्या ये सही है कोर्ट का फैसला? ये सरकार बताएं ये क्या सही है? इन मुजरिमों को छोड़ना क्या ये सही है? ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ और सरकार से जानना चाहता हूँ। ऐसे तो मुजरिमों का और हौसला बुलंद होगा, यहाँ भाई हम छूट ही जाएंगे। आखिर क्यों, किस लिए हो रहा है ऐसा? कितना दुख हुआ होगा उसे 10 साल से, उसकी बेटी के साथ जिन्हें बेरहमी में से किया गया, और उसके बाद भी उसने न्याय के लिए आवाज़ उठाई, न्याय के लिए लड़ी, केस लड़ती रही, और 10 साल बाद रिजल्ट भी मिला, या तो मुजरिमों को बिहाब में मिला। तो अब वो माँ किस सोच के साथ दोबारा कानून व्यवस्था पे भरोसा करेगी या कानून व्यवस्था पे आने वाले समय में जाएगी अपनी मदद मांगने के लिए? प्लीज़ ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि वो माँ क्या सोच रही होगी अब। तो इसी के साथ मैं अशोक रावत आपसे विदा लेता हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, किरण नेगी की आत्मा को भगवान शांति दे और उसकी माँ को इस दुख झेलने की क्षमता दे, और हाल ही में जो केस हुआ है अंकिता भंडारी का, भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उसकी आत्मा को भी शांति दे और जो उसके मुजरिम है उनको फांसी की सज़ा जरूर से जरूर दे, आज नहीं तो कल, पर लेकिन फांसी उनको जरूर दे। तो मैं अशोक रावत मिलता हूँ आपको ऐसी अगली वीडियो में। जागो उत्तराखंड, जागो, जागो मेरे देश प्रेमियों, जागो, आवाज़ उठाओ। अब नहीं उठाओगे, आज किसी और की बहन बेटियां हैं तो कल हमारी भी बहन बेटियां हैं, आवाज़ उठाना हमारे लिए ज़रूरी है। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये मुजरिम ऐसे ही छूटते जाएंगे। इसी के साथ मैं अशोक रावत विदा लेता हूँ।
आपसे और उम्मीद रखता हूं कि आप बुराई के खिलाफ आवाज उठाएंगे और इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाएंगे। तो मैं अशोक रावत मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड एंड लव यू।